हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरके नेचुरल रेमेडीज़। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सेरम जो आपके स्किन के दाग धब्बे को हटाएगा, आपके स्किन के ब्लेमिशेस या पिंपल्स के जो मार्क रह जाते हैं आपके चेहरे को, इसे हटाता है, आपके स्किन से पिगमेंटेशन कम करता है और आपके स्किन को विजिबली फेयरर बनाता है। गाइस, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एक ऐसा सेरम जिसमें मैं एलोवेरा जेल ऐड नहीं करती हूँ, तो आइए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं ये सिंपल सा पर बहुत ही इफेक्टिव सेरम। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून शहद हनी। हनी हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे स्किन को हील करता है। हम यहाँ लेंगे 1 टीस्पून हनी। इसमें हम मिलाएंगे बराबर मात्रा में नींबू का जूस। हमने यहाँ 1 टीस्पून नींबू का जूस यूज़ किया है। गाइस, नींबू जूस एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन से दाग धब्बे हटाने में हेल्प करता है। आपको कभी भी नींबू डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, पर इस तरह डाइल्यूट करके हम नींबू को यूज़ कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको एलर्जी है नींबू से, तो इसके बजाय आप एक चुटकी भर हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। वीडियो के दौरान मैं बताऊँगी इसे कैसे यूज़ करना है। इस सेरम को आपको हमेशा सोने से पहले यूज़ करना है। इसे डे टाइम में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हमने इसमें लेमन यूज़ किया है। गाइस, इसे आपको डेली यूज़ करना है, पहले 7 दिनों तक। सोने से पहले आपको इसे यूज़ करना है, डे टाइम में नहीं। सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सेरम लेके अपने फेस पे लगा लीजिए। 20 मिनट तक वेट करने के बाद आप इसे धो सकते हो। 1 वीक 7 दिन तक आपको इसे लगातार यूज़ करना है। 7 दिन के बाद आपको इसे वीक में 2 बार यूज़ करना है, सप्ते में 2 बार। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।